हो तो वीडियो देखने का टाइम आज आपको मिल ही गया। चलिए तो अब स्कूल स्कूल क्राफ्ट मिलने के साथ साथ ही हम देखने लग जाते हैं कि यार इस दिवाली क्या बनाएं जो हम ही लोग फर्स्ट आए। तो फर्स्ट आने के लिए सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक प्यारा सा पेपर कप से बहुत ही इजी सा दिया स्टैंड। इसके लिए करना आपको कुछ नहीं है, बस एक पेपर कप ले लीजिए और उसकी एक फ्लावर की शेप में कटिंग कर दीजिए बड़े ही इजी तरीके से। और इस पर और अब रिश्तेदारों की तरह ये भी अपने असली रंग में आ जाएगा और अपने रंग को बदल लेगा। पहले सफेद था, अब हो जाएगा जल्दी से लाल। आपको कोई और कलर पसंद है तो आप वो वाला कलर भी कर सकते हो। इस पे कलर करने के साथ साथ ही जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, फैला दो यार इस वीडियो को बहुत ज्यादा कि आप ही लोग फर्स्ट आओ या और जो आपके फेवरेट पर्सन है वो भी अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए। और देखो जब तक आपने लाइक किया तब तक ये बन भी गया। और ये बनते के साथ ही इस पर रख देंगे हम कोई भी प्यारा सा दिया और ये जलके इतना प्यारा लग रहा है, रेडी हो गया। सेकेंड है हमारे पास दिया कमल स्टैंड। कमल का फ्लावर जो होता है, मतलब लोटस फ्लावर जो होता है, वैसे भी दिवाली पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो आज इसे हम अपने हाथों से खुद बनाएंगे, वो भी बहुत ही इजीली और बहुत ही कम पैसों में। एक इसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड का कोई भी सर्कल कट कर लीजिए और उस पर पिंक कलर की लीव्स को चारों तरफ पेस्ट कर दीजिए। पिंक कलर की लीव्स पेस्ट करते करते ये देखिए हो गया, ये फ्लावर की शेप में आ भी गया। कमल के नीचे होता है ग्रीन कलर का, मतलब ग्रीन कलर के थोड़े चौड़े से पत्ते टाइप, मतलब बड़ी सी लीफ होती है, वो वाली लीफ हम लगाएंगे और ग्रीन कलर की लीफ कट करके इस पीछे की तरफ पेस्ट कर देना है। या देखो ये कमल की शेप में आता भी जा रहा है और प्यारा भी लगने लग गया है। ये भी एक दिया स्टैंड ही है। और वैसे भी जब हम स्कूल के लिए कोई क्राफ्ट बनाते हैं ना, जब मैं अपने स्कूल के लिए क्राफ्ट बनाती थी तो मेरे मन में एक थॉट जरूर आता था कि हम इतने सारे पैसे खर्च करके इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्राफ्ट बना लेते हैं और मैम उसे अपने पास रख लेती हैं। ये थॉट सबके मन में आता है, होप आपके मन में भी आता ही होगा। खूब ये भी जल्दी से बातों बातों में रेडी भी हो गया। अब इसके भी रंग बदल देंगे, ये बीच में से हो जाएगा रेड, क्योंकि दिवाली पे ना हर चीज़ बड़ी कलरफुल कलरफुल सी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। फेस्टिवल वाली वाइब्स तभी तो आती हैं और इस पे थोड़ी थोड़ी फेस्टिवल वाली वाइब्स आती भी जा रही हैं। अब मेरा पता नहीं क्या मन किया, मैंने इस पे सनफ्लावर जैसे डॉट्स भी दे दिए और अब ये थोड़ा लोटस थोड़ा सनफ्लावर मिक्स फ्लावर लग रहा है, पर कोई बात नहीं यार प्यारा तो लग ही रहा है। इसके ऊपर जला देंगे हम बड़ा ही प्यारा सा वही वाला अपना दिया और जल के ये भी लग रहा था बहुत ही ब्यूटीफुल। दिवाली वाली वाइब्स अभी से आने लग गई हैं प्रॉपर। थर्ड है बैंगल दिया स्टैंड। चूड़ियाँ हम सबके घर में होती ही हैं, कोई भी आप दो चूड़ी ले लीजिए जो रिटायर हो या मतलब यूज़ में नहीं आती हो, आप उन्हें आपस में कर दीजिए पेस्ट ताकि थोड़ा सा इसकी ब्रेथ जो है वो बढ़ जाए। और इसके बाद इस पर कोई भी गोटा पट्टी या कोई भी लेस आप लगा सकते हो। मैंने गोटा पट्टी से इसे स्टार वाला शेप दिया है, इसे मैं स्टार दिया में कन्वर्ट करने वाली हूँ। स्टार लगाने के बाद दोनों तरफ से पूरी बैंगल्स को भी अच्छे से कवर कर लेंगे इसी गोटा पट्टी से और उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर जला दो आपका फेवरेट सा कोई भी दिया। मैंने इस दिए को पहले किया है कलर ब्लू कलर से, क्योंकि मेरी बैंगल्स भी ब्लू कलर की थी तो ब्लू का कॉन्ट्रास्ट वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये डार्क ब्लू कलर है, मैंने इसके ऊपर इसे रखा और इस दिए को देखो 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 लग रहा है ना बड़ा ब्यूटीफुल।